है अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर पे रास्ते पे खड़ा है, और पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये है दुबे टी नाली। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है ये दुबे टी नाली, और यहाँ पे आज हमें यहाँ के लोगों ने स्थानीय लोगों ने हमें कॉल किए थे और फ़ोन किए थे और हमें यहाँ बुलाया गया है। ये जब हम यहाँ मौके वारदात पे हमारे अरुणाचल टुडे टीम यहाँ में पहुँचे तो हम इस जब यहाँ पे देखे तो हम चौंक के रह गए, क्योंकि ये वही रास्ता है जहाँ से यहाँ के लोग, यहाँ असम के लोग, अरुणाचल के लोग विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आना जाना करते हैं। तो यहाँ पे खास करके हमारे जितने भी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जैसे कि चाय पत्ती हो गया, आपके खास करके चाय पत्ती गाड़ी यहाँ पे आना जाना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ हमने 20 मिनट खड़ा हुआ तो 20 मिनट में कम से कम हमारे यहाँ पे 10 गाड़ी पार हो चुके थे। तो 10 गाड़ी से हमने जब इंटरसेप्ट किया था तो यहाँ पे हमने देखा लोगों का SOP दज्जा बना के रखा हुआ है, मजाक बना के रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ SOP मेंटेन नहीं हो रहा है। अब चले हम दिखाते हैं, यहाँ से हमने जब लोगों से बात करने के लिए कोशिश की तो किस प्रकार से हमें जवाब मिला। किससे आ रहा है अभी? क्रेम्बिसा से आ रहा है। कहाँ जाएंगे आप? डिगबोई जाएगा। क्या लेके जा रहे हैं आप अभी? चाय पट्टी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चाय पट्टी आप लेके जा रहे हैं वो कहाँ से लेके जा रहे हैं खास करके? क्रेम्बिसा से डिगबोई जाएगा। ओके ठीक है, तो आप लोग का ये सरकार से आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कागज लिया है, मतलब आप लोग परमिशन लिया है क्या, मतलब डायरेक्ट क्रेम्बिसा से डिगबोई असम ले जाने के लिए? है आप लोग का पास? अभी अभी नहीं है। अभी नहीं है। ओके तो आप लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट किया आप लोग का? किया है। तो और आप लोग का अभी 4 जन साथ में बैठा हुआ है, मास्क वास्क नहीं लगाया है, क्यों ऐसा? तो परमिट हुआ रहा तो बात, तो तिनचुकिया तक मिली गई, हम लोग यहाँ में अनलोड कर दे रहे हैं, असम जाने के बाद है। ओके तो मतलब आप लोग का ऑर्डर है असम जाने का? ये जो डायरेक्ट तिनचुकिया दिया है तो हाँ, तो हम लोग यहाँ अनलोड कर दे रहे। तो आप लोग डायरेक्ट क्यों नहीं जाते, यहाँ से क्यों जाते, मतलब कौन ले जाने देता है यहाँ पे? यहाँ पे तो मोहरी बात किया था, मोहरी बात किया था। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ये आपको वाखेना विलेज से, तो वाखेना विलेज से आ रहे हैं। और आप भी आप कहाँ जाएंगे? टेंगरी जाएंगे। टेंगरी जाएगा, तो क्या लेके आए आप? चाय पत्ता लेके आए। पूछना चाहेंगे आप लोग का ये रास्ता से आप लोगों मतलब आप लोग परमिशन लिया है क्या सबसे पहले? नहीं नहीं लिया है। परमिशन नहीं लिया है? जब से लॉकडाउन हुआ है, मतलब आज पहला फर्स्ट आया है आप लोग इधर। फर्स्ट टाइम आया है, तो लॉकडाउन से हम लोग आया ही नहीं रहा इधर। ओके तो ये रास्ता जो है वो मतलब लाइक आपको किसने बताया कि यहाँ से कहाँ जाता है? ये तो अभी हम लोग पेंगरी के आदमी मालूम है। ओके तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया आपका? ना वो तो नहीं किया है। नहीं किया है। ओके तो आप लोग आना जाना कर रहे हैं विदाउट रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पे, तो मतलब किस प्रकार से आप लोग मतलब सावधानी बरत रहे हैं? मतलब यही सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे हैं, और आपका क्या हुआ, हम लोग तो अभी पता गाड़ी में कहीं इधर उधर तो ढुकता नहीं, घुसता नहीं, किसी का वहाँ भी जाता नहीं है। ओके जाता है, डायरेक्ट जाके आपका पत्ता लेके सीधा आना पड़ता है। और आप लोग का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ? हाँ हुआ। हाँ सबका हुआ? नहीं सबका हम दोनों। कब किया है आप लोग का? वो थोड़ा आगे में, आगे दिन में। आगे दिन में। हाँ तो ठीक है, आप लोग मास्क लगाएगा, अभी भी मास्क लगा लो। अभी अभी हम दवा मार के गए थे ना, तो मास्क पूरा वो है। आप लोग का ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो बोलता है वो हुआ है कि नहीं हुआ? रैपिड एंटीजन टेस्ट किया आप लोग? नहीं किया। और आप लोग ऐसे मैंने असम अरुणाचल होके घूम रहे हैं, बताइए सबसे पहले आप कहाँ का रहने वाला है बताइए? मधुपुर बोर्डम सा। ओके ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ में क्या हो रहा है? मैंने जी यहाँ पे यही हो रहा है कि जो अरुणाचल से चाय पत्ता लेके आता है हाँ। या फिर भी कुछ भी सामान बाहर से इधर लेके आ जाता है, जो असम डिगबोई हो गया, तिनसुकिया हो गया, मारगेटा या फिर महापुम डिब्रुगढ़ ना, जो भी इधर से सामान उधर से सामान लेके आता है या फिर इधर से ले जाता है, वो जो चोरी छुपके ये रास्ता से लेके आ जाता है, जो ताकि मतलब वो बिना परमिशन के ये लोग छुप छुप के ये चोरी रास्ता से लेके आ जाता है। ओके मुझे ये आप बताइए ये रास्ता कहाँ से कहाँ लिंक रोड है? करता है कि सभी को वो लोग अपना सब लोग कोरोना टेस्ट करे और परमिशन लेके वो लोग ये चोरी रास्ता से नहीं जाके सीधा गेट से पार हो, सबसे अनुरोध है कृपया। हाल ही में हमारे यहाँ बोर्डुमसा के लोग का कंटिन्यू हमारे अरुणाचल टुडे टीम को कंटिन्यू फ़ोन कॉल आ रहे थे कि यहाँ पे असम अरुणाचल का कार इन्फ्लेक्स हो रहा है विदाउट प्रॉपर परमिशन। तो हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो हमने कुछ मामले
पाया गया। और आज उसी मुद्दे हम मुद्दे नज़र रखते हुए हम आज हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से हमने जब पूछताछ करने के लिए कोशिश किया तो सर ने हमें एश्योरेंस दिया कि इस मामले में वो तहकीकात करेंगे, तहकीकात करने के बाद इस मामले में वो नोटिस भी जारी करेंगे और अगर नोटिस जारी करने का बाद भी अगर नहीं माना तो इसका ऊपर कार्रवाई लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।